किसान भाइयों, आज मैं आपको मशरूम का बीज बनाने पर जानकारी दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मशरूम का बीज जो है गेहूं का पर बनता है। इसको आप देखें कि पहले गेहूं लिया जाता है, बढ़िया किस्म का गेहूं, उम्दा एक नंबर का गेहूं लिया जाता है। इसको खूब अच्छी तरह से पानी में साफ करके इसे जो है हाफ कुक माने अध पक्का किया जाता है। और जब ये अध पक्का हो जाता है इसे छान लेते हैं और छान करके हम जो है ला करके फैला देते हैं। फैलाने के पश्चात इसे हम ठंडा करते हैं। जब खूब ठंडा हो जाता है तब इसमें हम लोग केमिकल मिलाते हैं। अब पक्का गेहूं को हम लोग फैला दिए, फैलाने के बाद उसको सुखा दिए। जब इसका पानी मर जाता है यानी इसमें आपस में चिपचिपा नहीं रहे, तब इसमें हम दो केमिकल मिलाते हैं। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह है एक किलो अगर सूखा गेहूं है तो 20 ग्राम और इसका जस्ट डबल 40 ग्राम कैल्शियम सल्फेट। यानी कि एक किलो अगर हम गेहूं लेते हैं तो उसमें 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट उसको डाल के अच्छी तरह से मिलाते हैं। अब आप देखें यहाँ पर कि ये अच्छी तरह से मिला करके और फिर पन्नी में हम लोग इसको पीपी बैग होता है, पीपी बैग 16 इंच लंबा 7 इंच चौड़ा हम उसको इसके अंदर को अंदर कर दें। अब यहाँ पर जैसा हमने भरा जा रहा है, भरने के पश्चात इसमें हम काटन लगाएंगे, रबर लगाएंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को चलेंगी। आप बोलिए। पन्नी में भरने के पश्चात इस पर नन ऑब्जर्विंग काटन लगाते हैं। आप देखें इसमें आधा किलो एक किलो मात्रा हम लोग भरते हैं। भर करके इसे अब काटन प्लग दिया गया है, कड़ी लगाया गया है। इसके बाद उसको अखबार से उसका मुंह को बांध दिया गया ताकि जब स्टरलाइज किया जाएगा तब हम जो है इसको अंदर पानी नहीं जाएगा। ये तैयार हो गया है, इसको पूरा भर गया है, इसको भर गया है तो भर करके अब इसको ऑटोक्लेव में डालेंगे। इसको देखिए कैसे ऑटोक्लेव मशीन में ये रखा जा रहा है। इसको जो है इसमें डाल करके अब इसको स्टरलाइज किया जाएगा। तो दो घंटों घंटा 22 पाउंड प्रेशर पर इस मशीन में आपको क्लेम किया जाएगा। तो आप यहाँ देखें कैसे इस मशीन को जो है मशीन पे जो है इसको रखा जा रहा है और रखने के बाद ये मशीन को पैक होगा। इसको रखना है।
ये मदर कल्चर के लिए मनाया गया। आपने देखा कि जब ये रखा गया था इसमें तो ये स्टरलाइज करने के लिए तो 2 घंटा 22 पाउंड पे ये स्टरलाइजेशन हो गया कल शाम को, और आज जो है मैंने नेक्स्ट डे 12 घंटा ये जो है पड़ा रहता है इसीलिए ठंडा होता है, इसके बाद 12 घंटा के बाद इसको निकाल देंगे। पूर्ण रूप इस तरह आई है और इसको यहाँ रखते हो ये ला करके लैब में जो है हम यहाँ रखते हैं, और रख करके ये ठंडा होगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको जैसे यहाँ पर ये रखा हुआ है सारे ये ठंडा हो गया है, अब इसको हम करते हैं। ये आपका सेमिनार फ्लो है जहाँ पर यहाँ अब ये जो है इसके अंतर्गत ये इनॉक्युलेशन, अब ये इनॉक्युलेशन यहाँ किया जाएगा तो इसमें कल्चर जो है ये मिलाया जाएगा, और अब मिलाने के बाद में लैब में रखा जाएगा। इसके बाद में इसको वैरायटी लिखेंगे, आज का डेट लिखेंगे, और इसके बाद में रूम में रखाएगा इसको, देखिए अब ये देखिए इसको सब ला करके अब ये यहाँ का टेम्परेचर, ये इंक्यूबेशन रूम है, यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री है, इसको इस तरह से लेबल्ड करके रखते हैं, और इस तरह से 15 दिन में ये बीज जो है लगाने योग्य तैयार हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे बीज डिफरेंट वैरायटी का इसमें लगे हुए हैं, वहाँ मदर कल्चर है और ये सारे हमारे कल्चर से हैं, मदर कल्चर से हैं, और इस तरह से सारे को, और इस तरह से अब ये कम्प्लीट।